हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो ACF 2011 में पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ऑप्शन में अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जालौर, गंगानगर और हनुमानगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 5 सेकेंड आंसर दीजिए। यहाँ आंसर है बाड़मेर व जालौर। तो भारत में जो नर्मदा परियोजना है वो बाड़मेर और जालौर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? ऑप्शन बीसलपुर, पांचना, नर्मदा, जाखम। 5 सेकेंड आंसर दीजिए। जाखम, यहाँ जाखम आंसर सही है। यह है जाखम बांध, जिस पर जाखम परियोजना शुरू हुई थी, जो सन 1962 में प्रारंभ की गई थी। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है और यह प्रतापगढ़ में स्थित है, राजस्थान के। प्रश्न था, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, सिंचाई परियोजना है और उनका जिला बताना है कि कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले में है। तो 5 सेकेंड है, आप वीडियो पॉज करके एक बार आंसर सोचिए। या देखिए, घोड़ा घोड़ा खोज जो है वो उदयपुर में है, सिंचाई परियोजना। तकली जो है वो कोटा में है। सोम, कमला, अंबा ये डूंगरपुर में है और संतूर माता ये बूंदी में है। यहाँ पहला कूट सही है। प्रश्न पूछा गया था, सुमेलित कीजिए बांध और उनके जिले बताने। तो यहाँ बांध दिए हैं और जिले हैं। वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए। मोरेल बांध जो है वो सवाई माधोपुर में और दौसा की सीमा पर है। मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा में ही है। बात करते हैं अब जवाई बांध की। जवाई बांध जो है वो पाली में है और बीसलपुर बांध ये टोंक में है। यहाँ ये दूसरा कूट सही है। देखिए, ये तस्वीर है मोरेल बांध की। मोरेल बांध जो है वो दौसा जिले के लालसोट तहसील में है। यह दौसा और सवाई माधोपुर दोनों के सीमा के अंदर आता है। अब बात करते हैं मेजा बांध की। ये भीलवाड़ा में है और ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर है। भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति भी यहीं से होती है। ये खूबसूरत सा चित्र है मेजा डैम का। ये जो बांध है ये जवाई बांध है। यह बांध लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने 1946 को शुरू करवाया था और 1956 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है मारवाड़ का। और ये जो बांध है ये बीसलपुर बांध है। यहाँ से जयपुर शहर के लिए और अजमेर शहर के लिए, टोंक के लिए यहाँ से पेयजल की आपूर्ति होती है। प्रश्न पूछा गया था, कवई विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन कोटा जिले से, बारा जिले से, बाड़मेर जिले से, बांसवाड़ा जिले से। 5 सेकेंड आंसर दीजिए। यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है, बारा जिले से। कवई पावर प्रोजेक्ट जो है वो बारा जिले में है। देखिए, चित्र में दिखाया गया है कवई थर्मल पावर स्टेशन। ये जो है ये कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है जो बारा जिले में है और इसे अडानी पावर, अडानी जो ग्रुप है वो चलाता है। प्रश्न पूछा गया था, सुमेलित कीजिए, खनिज है और उनको क्षेत्र बताना है कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है। वीडियो पॉज करके एक बार आंसर सोचिए। देखिए, जो जिप्सम है वो जामसर में है, तांबा जो है वो खोदरीवा की खानों में मिलता है, और रॉक फॉस्फेट जो है वो झामरकोटड़ा की खान में है, और सीसा पे जस्ता जो है वो जावर की खान में। यहाँ पहला ऑप्शन सही है, पहला कूट सही है। देखिए, ये जो खान है ये जिप्सम की खान है और ऊपर लाइम स्टोन है, ये नीचे जो है ये टुकड़े तो जिप्सम के ऊपर लाइम स्टोन के हैं, और जामसर जो है वो यहाँ स्थित है और ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है और ये है जिप्सम की कुछ खान है। और ये जो चित्र है रॉक फॉस्फेट है, यह उदयपुर में है, मिलता है ये खनिज, और ये वहाँ की फैक्ट्री है जो झामरकोटरा में लगी हुई है। ये है जावर की खान जो सीसा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जावर की जो खान है वो उदयपुर में है
और ये गोमती रिवर से 10 किलोमीटर दूर ही स्थित है। प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवन घास उगाई जाती है? ऑप्शन बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। 5 सेकंड आंसर दीजिए। यह सही आंसर है, जैसलमेर में सेवन घास उगाई जाती है। देखिए यह है सेवन घास जो है चित्र में है, इसको हम बोलते हैं सेवन घास। ये जैसलमेर के 10-15 किलोमीटर लाठी क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है या चार, आंसर दीजिए। तीसरा आंसर यहाँ सही है, दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी वाला क्षेत्र जो है वो न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न था, जिस जिला युग्म में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी है? चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए। ये पाई जाती है कोटा बारा में, कोटा बारा में पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। प्रश्न पूछा गया था, अजबगढ़ समूह की आधारीय शैल जिन जिलों में पाई जाती है वे कौन से हैं? ऑप्शन है चार, आंसर दीजिए। ये पाली सिरोही जिलों में पाई जाती है, अजबगढ़ समूह की आधारीय शैल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न था, जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है वह कौन सा है? चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए। नर्मदा नदी से जालौर में, जालौर को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। देखिए यह है नर्मदा नहर और यह सांचौर जालौर में 533 किलोमीटर लंबी है नर्मदा नहर।